तू दो कोरी के स्टाफ होने के बावजूद तू मेरे बीवी के साथ? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए। सिमर, नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर। कैसे आना सर? ये सोनू सर का प्रोजेक्ट है, थोड़ा आप इसको चेक कर लीजिए। क्या बात है राजू, तुम तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से बना लेते हो। थैंक यू सर, सब आप ही से सीखा है। अरे मैं तो बातों बात में भूल ही गया, बोलो क्या चाहिए? चाहिए कॉपी? जी नहीं सर, थैंक यू, मैं भी करूँगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, रुको। सीमा जी, दो कप चाय लाना। खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर राजू की हेल्प कराओ साफ कराने में। अरे मैडम जी, आप क्यों हैं? मैं साफ कर लूंगा। ऐसे कैसे चलेगा, लाइए मैं साफ कर देती हूँ। अरे टेंशन मत लीजिए मैडम जी, मैं साफ कर लूंगा। अगर मैं साफ नहीं करूंगी तो मेरे हस्बैंड मारने लगेंगे। क्या, पर सर ऐसा करते क्यों है? एक्चुअली मैं उनको पसंद नहीं हूँ, उन्होंने मुझसे शादी मजबूरी में की थी। वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सीमा जी, तुम्हारा बकवास खत्म हो गया हो तो क्या मैं ऑफिस के लिए निकलूं? नहीं, मैं तो बस ये, मैं यहाँ पर तुम्हारा बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ, समझी? राजू तुम जल्दी से साफ करके आ जाओ, मैं बाहर कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जी सर, अभी आया। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारा जब दिल चाहे तब तुम आ जाना, इसे अपना ही घर समझो। जी मैम। बाय बाय। राजू। जी सर। एक काम करो, आज घर से लैपटॉप लाना भूल गया, घर से लैपटॉप लेकर आ। जी सर। Thank you.
मैडम जी। अरे वाह राजू, क्या बात है, बड़ा जल्दी अपना घर समझने लगे। जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं तो सर का लैपटॉप लेने आया हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ। तुम कितना भोला हो राजू, मैं जब तुम्हें पहली बार देखी तभी से मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। लेकिन मैडम, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ, बस ऐसे ही मिलने आया करो। हेलो, इतनी रात को कॉल करने की क्या जरूरत थी? अच्छा मैंने किया कि तुमने किया, तब ना मैं की हूँ। अच्छा सुनो, कल मेरे हस्बैंड कई दिनों के लिए बाहर जाने वाले हैं और मैं कुछ दिन अकेले रहूँगी। ओहो ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं आऊँगा ना तो सबसे पहले किस करूँगा। चलो चलो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कल टाइम से आ जाना ठीक है। सुनो ना एक किस दो ना। नहीं कल। वैसे इस ड्रेस में बहुत हॉट लग रही है। मैं बचपन से ही हॉट हूँ। ऐसी बात है तो आज कुछ करना ही पड़ेगा। शायद तू दो करोड़ के स्टाफ होने के बावजूद तू मेरे बीवी के साथ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं सर। नहीं सर। सीमा ये तूने क्या किया? अरे ये तो मर गया।
बचाने के चक्कर में ये सब क्या कर दी? मैं जा रहा हूँ। राजू, राजू। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन, हाँ यहाँ राजीव नगर गली नंबर 7 में एक औरत ने अपने पति को जान से मार दिया। राजू, तुम किससे बातें कर रहे हो? ये